हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्लाह पाक आप सबको सेहत याब रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। और ये 2 दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों को पहले ही शेयर कर चुकी हूँ लास्ट वाले ब्लॉग में, कि मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड की थी और अगला वाला तो शेयर कर दी हूँ। ये है कुछ मैं इसमें रेसिपीज बनाने वाली हूँ। यहाँ मैं दिखला रही थी आपको ये दही कितना क्रीमी और थिक दही मैं घर पे ही बनाई थी। ये इसके लिए घोल के लिए बनाना था। मैं घर में बस मीठा बना रही हूँ, खीर बना ली, सोची कि खीर बन जाएगा और फिर घोल बना दूँगी। बिरयानी में यहाँ सब कोई घोल ही खाते हैं, मतलब घोल पीते हैं यहाँ पे। तो ऐसे तो रायता हर कहीं बनता है, पर कोलकाता का स्पेशल है, शादियों में भी घोल बनता है। तो मैं सोची घर में घोल बनाती, क्योंकि गेस्ट लोग बहुत सारा आने थे और खाना तो बाहर से ही आना था, बहुत लोग थे, और फिर बाहर भी बांटना था गरीबों में, तो इसलिए खाना बाहर से ही आया था। और यहाँ खीर की तैयारी में लग गई थी। यहाँ मैं रात भर चावल को भिगो दी थी। ये 100 ग्राम करीब चावल थे और 2.5 लीटर करीब दूध थे। तो वो रात भर भिगो करके मैं इसको फिर सुखा के ग्राइंड कर लिया। और ये ड्राई फ्रूट्स है, आपके आपके हिसाब से आप जितना ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें डाल के इसको भी मैं ग्राइंड कर दूँगी। और यहाँ पतीला ली थी, उसमें पहले नीचे मैं थोड़ा सा पानी डाल दी ताकि वो दूध जले ना, नीचे से चिपके ना, और दूध डाल के उबाल आ जाएगा एक, फिर मैं उसमें चावल और ड्राई फ्रूट्स दोनों साथ में डाल के इसको चला लूँगी। आप चाहे तो अच्छे से हाथ से मैश करके उसको डालें ताकि लम्स ना रहे। मैं ऐसे ही डाल दी हूँ, लम्स सारा निकल गया था। ऐसा नहीं है कि लम्स रह गया है, कुछ भी गुठली नहीं रहता है इसमें, सारा ईजिली निकल जाता है। इसको चलाते चलाते ना सब ठीक हो जाता है बिल्कुल। आप देखेंगे लास्ट तक में ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे गुठली सा है इसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है, लम सारा निकल जाता है इसका और अच्छे भी बनते हैं। और यहाँ मैं 2 कप के करीब यहाँ शक्कर डाली थी। अपने हिसाब से आपको ज़्यादा मीठा है तो और आप डाल दें, पर इतना मेरे लिए इनफ था, मैं इतना ही डाल दी थी इसमें। और बैकग्राउंड से आपको म्यूज़िक का आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा, इंजॉय कर ले आप भी थोड़ा सा म्यूज़िक। यहाँ तो शादी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, बहुत बजते रहते हैं एनी टाइम। यहाँ पर मैं ले ली थी पानी एक प्याला में, उसमें डाली थी 2 पैकेट के करीब मिल्क पाउडर, ये 10 वाला जो पैकेट आता है मैं वही डाली थी 2 पैकेट के करीब। और यहाँ 2 चम्मच में कस्टर्ड पाउडर डाली थी, वो दोनों को मिक्स करके फिर इसी में मैं डाल दी। इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। एक बार ट्राई करके आप लोग ज़रूर से देखिएगा। मैं मिल्क पाउडर को ऐसे ही दूध में नहीं डाली, उसको अच्छे से पानी में घोल करके फिर मैं डाली इसमें, और कंडेंस में ये कस्टर्ड पाउडर को भी साथ में। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और थोड़ा क्रीमी और थिक सा बनता है। और यहाँ मैं घोल की तैयारी कर रही थी, और यहाँ मैं ली थी 1 चम्मच के करीब ब्लैक पेपर ली थी, और 1.5 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे क्यूमिंग सीड ली थी। ये दोनों को थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर दी, ज़ीरा और ब्लैक पेपर दोनों अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करना हल्का सा, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना। 1 मुट्ठी के करीब धनिया और 1 मुट्ठी के करीब पुदीना, मतलब पुदीना ज़्यादा रहेगा, धनिया 1/2 मुट्ठी लीजिएगा आप, पुदीना थोड़ा ज़्यादा रहे, धनिया कम डाल के उसके बाद इसको ग्राइंड कर दूँगी। और पानी में उसको ऐड कर देना है, पुदीना, धनिया पत्ता और क्यूमिंग पाउडर और ब्लैक पेपर का पाउडर, ये सारा कुछ डाल के मैं इसको डाल दी हूँ पानी में। और फिर इसमें आप दही डाल दें, दही करीब 2 कप के करीब गया है, आप देखे होंगे यहाँ चम्मच के हिसाब से बड़ा चम्मच था, इसमें मैं 4 चम्मच डाली थी। और ये जंजीरा पाउडर जो आता है बाहर में, वो मैं डाली इसमें, 10 पैकेट डाली थी जंजीरा पाउडर के। और मैं यहाँ इसमें डाली थी जो ब्लैक नमक आता है वो डाली थी, काला नमक, और मैं यहाँ आमचूर पाउडर भी डाली थी, उसका क्लिप नहीं आया था। यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाली थी। ये सारा डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है आपको, और ये घोल मज़ेदार से तैयार हो गया। आप चाहे तो रायता भी बना दें, बट यहाँ कोलकाता में फेमस है ये घोल, तो मैं घोल भी बनाई थी यहाँ पर। और हाँ, आप लेमन डालना चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, और भी अच्छा बन जाता है। और यहाँ मैं सबका डब्बा निकालने लगी थी, बाहर पार्सल करना था सबको, गरीबों में बांटना था, तो यहाँ मैं ही निकालने लगी थी, ये देख आया था बाहर से ही, क्योंकि इतने लोगों का बनना था ना, तो घर में पॉसिबल है नहीं कि इतना ज़्यादा बन सके, तो बाहर से ही आ गया था सारा खाना वगैरह। आप लोग पीछे बैकग्राउंड से म्यूज़िक म्यूज़िक के भी मज़े ले लिया करें। अभी शायद शादी का सीज़न चल रहा है क्या, हमेशा शादी होती रहती है, मैं पूरा विंडो बंद कर देती हूँ फिर भी इतने आवाज़ आते हैं कि वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती मैं बिल्कुल भी।
और यहाँ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।